तो गाइस, जैसा कि कुछ लोगों के मुझे कमेंट आ रहे थे कि टैंक टू टैंक किया प्रेस्टीज प्लस की किया कारेंस प्रेस्टीज प्लस डीजल में माइलेज के रिव्यू के लिए कहा था, टैंक टू टैंक माइलेज डालने के लिए कहा था, तो मैं अभी डाल रहा हूँ। ये देखिए 59 किलोमीटर का बैलेंस है इसमें, और जो नीचे रीडिंग है वो है 1790 किलोमीटर की, और मैं डीजल डलवा रहा हूँ। करिए स्टार्ट। तो यहाँ पर जो प्राइस की बात करूँ, 82 रुपये 55 पैसे है, 90 रुपये क्या रेट है डीजल? अभी तो बहुत महंगा है ना। चलो हम लीटर में देखेंगे कितना लीटर आएगा। टैंकी को जो है ना फुल करवा लेंगे, टैंकी फुल कराने के बाद बिल्कुल कट कट लग गया, कट के आगे भी डालेंगे, रुको, जिससे ना हमें टैंकी फुल कराएंगे। डालो और बस 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 बाहर आ गया बस। ना तो भाई बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं हम पूरा पूरा फुल कराने की इसको। बस अंदर आ गया। कितना आ जाएगा? आ जाएगा 2-3 मिनट। थोड़ी नोजल आगे कर लो, फिर कट लगा लेगा ना। कट लगा नहीं। हाँ कट नवी तक करिए। हाँ नवी तक पहला दबाओ। तेल पा तेल। तो गाइस ये होगी फुल, और 46.64 लीटर, सॉरी 46.64, हाँ 46 लीटर के लगभग आया इसमें, और अब देखते हैं कितनी। तो गाइज ये रही रीडिंग जिसमें गाड़ी हमने चलाई, और उस रीडिंग से माइनस करके हम आपको बताएं क्या टैंक टू टैंक माइलेज इसकी आ जाएगी। अभी मैं टैंकी फुल करा रहा हूँ, जैसे कि पहले फुल पे मैंने इतने किलोमीटर चलाई, उसके बाद देखते हैं कितनी चलेगी। वहाँ क्या बना रहा है यार, जहाँ पे काम कर रहे हैं तो हो रहा है तो गाइज इसमें अब हम ऐसे ही जैसे हमने पहले टैंकी फुल कराई थी, ऐसे ही पूरा कट मरवा मरवा करके पूरा जितने लीटर आएगा इसमें उतना लीटर डाल देंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कि कितने किलोमीटर गाड़ी ड्राइव हुई है। जितने भी रीडिंग चलेगी उसमें से लेस करके आगे मैं आपको निकाल के भी दिखा दूंगा, देखना आप लास्ट में निकाल के दिखाऊंगा कि कितने कितने किलोमीटर चली। जाके इसमें 23 किलोमीटर की एवरेज आ रही थी, बट मैं फिर भी 20 से 22 बिल्कुल कहूँगा कि 20 से 22 की एवरेज बिल्कुल परफेक्ट देगी ये गाड़ी, क्योंकि मैंने लोकल में चला करके निकाली ऐसे जैसे कि ना कि हाईवे पे। जो पहला रिव्यू डाला था मैंने वो हाईवे का डाला था ना माइलेज का, अब मैंने लोकल का दिया ओवरऑल हिल एरिया में। मैं इसमें गया हूँ हल्का फुल्का और नॉर्मल रूटीन में जैसे चलता हूँ मैं। तो गाइस ये 18 लीटर लगभग कंज्यूम हुआ उसके बाद, अभी देखते हैं कितने किलोमीटर चली है वो कैलकुलेट। तो गाइस जैसा कि किया करेंस की जो मैंने टैंक टू टैंक माइलेज का रिव्यू में डाल रहा हूँ उसको मैंने मापा है, और मैं दिखा रहा हूँ आपको किस प्रकार से है।
तो देखिए फर्स्ट में मैंने डलवाया था, इसमें जो गाड़ी की रीडिंग थी वो थी 7790, ठीक है जी। वहाँ से मैंने डीजल डलवाया इसमें, और इसमें डलवाया था 46.64 लीटर, ये देखिए आप। तो अब जैसा कि वीडियो आपको सारी देखने, और उसके बाद मैंने डलवाया है इसमें 18 लीटर डीजल, और रीडिंग कितनी होगी 8447, ठीक है। ये है रीडिंग, ये ओल्ड रीडिंग थी, ये भी ओल्ड, जब मैंने डीजल डलवाया तो ये ओल्ड वाली रीडिंग है, पहले वाली, ठीक है। तो उसके बाद अब मैं डलवा रहा हूँ 8847 पे, और डीजल इसमें आया अब 18.16 लीटर, ठीक है। तो इसमें से ये कम करते हैं जब हम, तो आ गया 8 पीछे 5 3 4 पॉइंट, यहाँ पे 16 में से 8 गए 8, 3 में से 1 2, 28.48, मतलब मोटा मोटा 28.5 लीटर डीजल इसने पिया है, ठीक है जी। और इधर क्या आएगा, इसमें से जो अब वाली रीडिंग है इसमें से हम पहले वाली रीडिंग माइनस कर लेते हैं, 8447 माइनस 7790, ये कितना आ गया 657, मतलब कि 657 किलोमीटर चली है गाड़ी हमारी। और तेल कितना पिया इसने, 2800 साढ़े 28 लीटर। अब इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे, 657 डिवाइड बाय 28.5, तो ये आ गया लगभग 23। तो गाइस ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि गाड़ी जो माइलेज देती है, 23 आ रहा है इसमें, 20 से 23 की मैं निकाल देता हूँ, 20 22 20 22 कर लेते हैं, 20 22 की बिल्कुल परफेक्ट आपको माइलेज ये देगी, किया कारेंस डीजल वाली है जो प्रेस्टीज प्लस, जो मैंने टैंक टू टैंक रिव्यू डाला है, काफ़ी लोगों ने कहा था कि टैंक टू टैंक रिव्यू डालें किया कारेंस का। तो गाइज ये रहा इसका रिव्यू, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें प्लीज़।